फॉर्मूला कैसे यूज होते हैं। तो एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले आप देखते हैं उन सब की स्टार्टिंग करने के लिए आपको या तो प्लस से स्टार्ट करना पड़ता या इक्वल टू है, इक्वल टू से, प्लस से या माइनस से, इनसे आप फॉर्मूले स्टार्ट कर सकते हैं। एट द रेट ऑल्सो नो। एट द रेट से नहीं, ओके इनसे ही कर सकते हैं खाली। तो माइनस से क्या प्रॉब्लम आती है, वैल्यू का वो चेंज हो जाता है, माइनस में वैल्यू ले लेता है, तो उसका फायदा नहीं। तो जब भी फॉर्मूला करें या तो इक्वल टू से करें या प्लस से करें। स्टार्टिंग फॉर्मूला इनसे हो सकता है, बाकी इसके बाद जो इक्वल टू के बाद जो भी चीज पड़ती है, जैसे इक्वल टू के बाद स्टार्ट होने के बाद एक रेफरेंस के बाद ये जो पड़ता है इसको कहते हैं ऑपरेटर। एक हमारे पास होते हैं ऑपरेटर, एक होते हैं फॉर्मूला या फंक्शन जिसे कहते हैं। तो फंक्शंस आपके हो गए या फार्मूला हो गए, ये आपके सम हो गया या जितने भी ये आ रहे हैं, ये फंक्शन या फार्मूला कहते हैं इनको। अब वो जो साइन होते हैं प्लस वगैरह के, ये इनको ऑपरेटर कहते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर अवेलेबल हैं। सबसे पहले है मैथमेटिकल ऑपरेटर, में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड कैरेक्ट। तो पावर के लिए यूज करते हैं। तो प्लस माइनस डिवाइड तो आप जानते हैं कैसे कर सकते हैं, जैसे प्लस नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, इसी में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये है पावर का साइन आपके। जैसे 4 की पावर 2 हो तो 16 होता है, ठीक है जी। तो ये तो हमारा ऑपरेटर है, इसी की जगह आपका पावर का फॉर्मूला भी है, पावर के नाम से। इसमें आप नंबर देते हैं और पावर कितनी होनी चाहिए, कॉमा के साथ चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, हमारी जो कोई भी वैल्यू के बीच में कंपैरिजन में काम आते हैं, तो कंपैरिजन के बाद ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। यहाँ नंबर में रिजल्ट आ रहा है, ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये यहां से ये इक्वल टू है, इसके अगर इक्वल टू है तो ट्रू में आ जाएगा। क्या ये ग्रेटर देन है, इसके फॉल्स आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू आ गया। इसी तरह लेस देन इक्वल टू,
एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है, जब ये नॉट इक्वल टू होगा तो ये ट्रू देगा। ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट ऑपरेटर है। टेक्स्ट में हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, इसको कहते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर है हमारा ये एंड का साइन, ये क्या करता है, दो टेक्स्ट को ज्वाइंट करता है एक सेल में। इक्वल टू करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, कंकैटिनेट का साइन लगाया यहाँ पे, ठीक है जी, एक सेल में अटैच कर दिया। अगर इसके में अगर मिस्टर और जोड़ना है, यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, बीच में स्पेस देना है, तो यहाँ कोई भी टेक्स्ट जो देते हैं किसी भी फॉर्मूला में हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में देते हैं, नंबर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो मैंने स्पेस डायरेक्ट कंकैटिनेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, यही चीज फॉर्मूला के जरिए करनी हो तो कंकैटिनेट का फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें क्या करना होता है, आपको बस सिलेक्ट करना होता है, कॉमा सिलेक्ट, कॉमा सिलेक्ट, ठीक है जी, सेम काम करता स्पेस के लिए। तो एक कॉमा के बीच में आप ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा की, ठीक है, तो ये सेम काम करेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला पैटर्न है, ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं इसमें। इनके अलावा जब भी आप कोई भी फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू लगा के आपने कोई भी फार्मूला टाइप किया है, या आपके पास लिस्ट आ जाती है, या तो आप एरो की से इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो फार्मूला आपको टाइप करना है उसमें टैब प्रेस कर लीजिए, ठीक है जी, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब जैसे कंकैटिनेट का फॉर्मूला मैंने किया, अब मुझे इसमें ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, एंटर करूंगा वो अपने आप कर देगा, कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं इसमें। दूसरा, जब मैं फॉर्मूला टाइप करता हूं तो इसमें मुझे ये नीचे टूल टिप दिखाता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसकी जो एक्सेल हेल्प है वो खुल जाएगी। इसमें आपको दो एक एग्जांपल भी मिल जाएंगे, बाकी इसमें पहली वैल्यू देखनी है, टेक्स्ट वन आपने ये देखा, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री है नहीं, ठीक है जी, तो इससे आप डायरेक्ट वैल्यू में नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार फॉर्मूला ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है जी, तो बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इसको यूज करेंगे। दूसरा, ये जो हमारी ये आप वैल्यू देख रहे हैं, पहला पैरामीटर जो है वो नॉर्मल लिखा हुआ है, दूसरा पैरामीटर जो है ब्रैकेट के अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है कि फॉर्मूला जो है ये जो वैल्यू है आपकी ऑप्शनल है, आप इसको दें मत दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, अगर आप सिंगल वैल्यू भी देंगे तो चलेगा, मतलब यहां जहां भी ये देखें बड़े बड़े ब्रैकेट, मतलब वैल्यू ऑप्शनल है,
दूसरा ये तीन डॉट दिख रहे हैं आपको, तीन डॉट का मतलब है एज ऑन, इसी के तरह ही आगे वैल्यूज पढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। ये आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, बाकी आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ इफेक्ट का बटन है, यहाँ से भी देख सकते हैं, अलग अलग उसमें आपको दिखा देगा। इस फॉर्मूला में आपको जानना है कि पहले में क्या डालना चाहिए, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि क्या क्या हो सकता है, यहाँ क्या क्या हो सकता है, तो छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाता है। जैसे आप वीलुकअप का फॉर्मूला टाइप किया, इफेक्ट में चलेगा सारी की सारी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखा देगा आपको, हेल्प चाहिए तो यहाँ से, तो इतना तो आपके एक्सेल में अवेलेबल होता है पहले से। बाकी आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लुकअप के फॉर्मूले आ रहे हैं, कुछ भी डाल दीजिए, कंकैटिनेट वो फॉर्मूला आ गया, अब यहाँ से भी आप फॉर्मूला चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसको कहते हैं नेम बॉक्स, आपके इधर जो दिखा रहे हैं, नेम बॉक्स क्या करता है, आइडेंटिफाई एड्रेस दिखाता है, हमें सेल का एड्रेस दिखाता है, जैसे ये सिलेक्टेड है सी और 13, तो सी 13 दिखा रहा है। आप अपने रेंज को नेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस पूरी रेंज है, ये कोई रेंज है, इस पूरे का नाम दे दिया आपने डाटा, ठीक है जी, बस यहाँ पे लिखना है। अब यहां से अगर डाटा सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा ये रेंज का अलग बनकर, ठीक है जी, इसका मतलब होगा ये। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू देता हूं, और सब में डाल देता हूं डाटा, तो इसका टोटल दिखा देगा। इसका फायदा क्या होता है, ये नेम्ड रेंज को यूज करने से हमें डॉलर वगैरह आगे नहीं लगाने पड़ते, डॉलर में क्या होता है, अगर हम डॉलर लगाए ना लगाए, डॉलर का यूज पता है सर, लॉक करने के लिए काम आता है, फ्रीजिंग के लिए, या कॉपी करने के लिए। तो हाँ, तो अगर आप नेम्ड रेंज यूज करते हैं तो एक तो आप मतलब आपको लॉक करने की जरूरत नहीं होती डॉलर, दूसरा कई चीजों में लिमिटेशन होती है कि आप इस सेल का यहाँ से डिफरेंस दूसरी शीट पे ले नहीं सकते, एक्सेल की कई चीजों में लिमिटेशन होती है, उस केस में अगर आपने इसे नेम्ड रेंज बना दिया है तो आप इसको कहीं भी शीट में यूज कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे आपका टेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे चार पांच तरह के कुछ फॉर्मूले हैं, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, रिलेशन टाइप है, लुकअप एंड डिफरेंसेस है, मैथ ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ से देखेंगे स्टैटिकल है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कैटेगरी फाइनेंशियल है, स्टार्ट करते हैं लॉजिकल फॉर्मूला। अब लॉजिकल फॉर्मूला में देखें तो कौन कौन से हैं, एंड, फॉल्स, इफ, इफ एरर, नॉट, और ट्रू, इतना ही कैटेगरी के लॉजिकल फॉर्मूला। इसमें सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इफ का फॉर्मूला, अब इफ का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है,
बहुत से लोग क्या करते हैं ट्रू फॉल्स की वैल्यू को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिजल्ट जो निकालता है वो हमारा यूज सिर्फ इतना ही निकाल देता है ट्रू फॉल्स में, लॉजिकल टेस्ट जो हमने डाला इसी की वैल्यू ट्रू फॉल्स में आ जाती है। उसके बाद क्या आता है कि वैल्यू इज ट्रू, अगर ट्रू हो तो क्या करना है, अगर फॉल्स हो तो क्या करना है। ठीक है जी, टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, नंबर लेने हो तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। क्या करता है किसी भी लॉजिकल टेस्ट के बेस पे आपको बताता है कि अगर ट्रू आया तो क्या देना है, फॉल्स आया तो क्या देना है, अपने आप रिटर्न करता है। ठीक है, इसमें आपको देखना है बाई चांस कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। यहां से आप क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, आपका सिलेक्टेड जो भी फॉर्मूला होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा उतना एक हिस्सा खाली। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप एंटर करके नीचे आएंगे तो ये ट्रू का ट्रू ही सेव हो जाएगा, मतलब इसके लिंक हट गया है इस फॉर्मूला का, इसलिए हमेशा एस्केप करके बाहर आए। अब मैं देखना है रिजल्ट, पूरा फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया F9, ये कैलकुलेट होके हमें यहीं दिखा देता। दूसरा फॉर्मूला में काम कैसे कैसे किया अगर इससे इससे नहीं देखना चाहते तो तरीका है, फॉर्मूला टैब में हमारे पास इवेल्युएट फॉर्मूला होता है, आप यहां से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बारी बारी आपको तो यहां दिखाएगा कि क्या क्या वैल्यू आई, कैसे कैसे इसने काम किया। ठीक है, यहां पे इवेल्युएशन देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। दूसरा, अगर आपकी शीट है उसमें कई जगह फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ तो आपकी वैल्यू दिख रही है, और फॉर्मूला देखने के लिए आपको हर बार उस सेल पर क्लिक करना पड़ेगा कि अंदर फॉर्मूला है क्या लगा है। अब चाहते हैं कि सारे फॉर्मूला इकट्ठे दिखा दें शीट पे जहाँ जहाँ भी हो, तो यहाँ पे एक वो है शो फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला व्यू में आ जाएगा। इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ भी आपके फॉर्मूले लगे होंगे वो आपको दिखा देगा कि यह फॉर्मूला यहाँ ये लगा हुआ, यहाँ ये लगा हुआ। तो आप करेंगे नॉर्मल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल स्केल्ड, कंट्रोल के साथ स्केल्ड का बटन है, नुमेरिक 1 से पहले वाला बटन होता है स्केल्ड का। कई बार हमें पता लगाना होता है कि ये फॉर्मूला किस किस सेल से रेफर कर रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो ट्रेस प्रेसिडेंट जैसे करेंगे तो जो वैल्यू ये फॉर्मूला ले रहा होगा वो वहां पहुंच जाएगा। ठीक है जी, दूसरा है हमने देखना है कि ये वैल्यू कहाँ यूज हुई है, तो ट्रेस डिपेंडेंट ये बता देगा ये हमें यूज हो रखी है ना। शीट में तो हम कहीं फॉर्मूला लगा दिया, हमें देखना है ये वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट है क्या, कोई और वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है क्या, तो हम यहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे के फॉर्मूला पे, जैसे इसका फॉर्मूला मैंने बताया कि आपको इस तरह से कर सकते हैं, लॉजिकल टेस्ट के बेस पे ट्रू फॉल्स में आप वैल्यू डलवाएंगे और उसके हिसाब से रिजल्ट देगा।
एक कंडीशन लेते हैं कि जैसे एक हमने क्या किया, एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, इंटरव्यू में रख दिया राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री, अलग अलग जज जज दे दिया। अब जज ने क्या किया, कोई बंदा पास हुआ कोई बंदा फेल हुआ, मैंने क्या लगाना है रिजल्ट किस पे शो करेगा मेरा, कि जिसमें अगर तीनों में यस है, तीनों राउंड में यस है तो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखा दे, अदरवाइज रिजेक्टेड दिखा दे। ठीक है, अगर हम इसको इसके फॉर्मूले से करते हैं तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बाई है, हमें अगर है तो फिर से एक इफ लगाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा क्या ये वाई है, अगर है तो फिर से एक इफ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ चेक करेंगे कि क्या ये वाई है, अगर यहाँ भी है तो आ गया आंसर सिलेक्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। पहले अगर इसे मिल जाता तो रिजेक्टेड, और लास्ट वाले इसके लिए भी रिजेक्टेड। फॉर्मूला कॉपी कर लिया मैंने नीचे पे, जहां फिर जहां पे इसमें तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉर्मूला समझ आया सर कैसे हुआ। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लॉजिकल टेस्ट क्या हुआ, वैल्यू एक्स टू में क्या हुआ, ये दिखा रहा है। अंदर का देखना है कि इसमें क्या है, स्टोरी सिंपल है। ठीक है जी, तो जैसे इसमें हमें थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ा और चीज कॉम्प्लिकेट हो गई थोड़ी, तो ऐसी कंडीशन जहां पे तीनों का ट्रू होना जरूरी हो, जब तीनों के ट्रू होने पे ही रिजल्ट देना है, बाकी में रिजल्ट रिजेक्ट करना है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं एंड का फॉर्मूला। एंड का फॉर्मूला यूज करते हैं और तो यहाँ तीनों के तीनों कंडीशन हमें एक साथ दे देंगे, ठीक है। एंड का फॉर्मूला क्या कर रहा है यहाँ, जब तीनों में ट्रू होगा, जब तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एंड के फॉर्मूले तो मैंने दे दिया लॉजिकल टेस्ट में, और यहाँ सिंपल डाल दिया, अगर ट्रू आए इससे तो सिलेक्टेड हो जाए, अदरवाइज रिजेक्टेड हो जाए। तो क्या रहा है, इसकी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गई। ठीक है, इसमें क्या है कि एंड के फॉर्मूला में सारी कंडीशन मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए, अगर ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, एक भी अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसी जगह पे दूसरा केस देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बंदे वही हैं, यहाँ पे और का फॉर्मूला दिखाते हैं। और का फॉर्मूला क्या करता है, मान लीजिए इसमें हमने कह दिया कि हमें कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है,
हमने कहा कोई या तो आप राशन कार्ड ले आइए या डीएल हो या पैन कार्ड हो तो हम आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। मान लीजिए बैंक अकाउंट पे ये हो गया, कोई भी तीनों में से एक चलेगा। तो यानी कि देखिए इसका फॉर्मूला कैसे चलेगा, हमने पहले चेक किया ये भाई है, अगर है तो डायरेक्टली हम यहाँ दे देंगे ओके। ठीक है जी, अगर नहीं है तो फिर चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू भाई है, अगर है तो ओके दे देंगे, नहीं है यदि तो क्या ये इक्वल टू भाई है, अगर है तो ओके दे देंगे, अदरवाइज नॉट ओके। ठीक है जी, अब इसमें और का फॉर्मूला लगाते हैं। और का फॉर्मूला क्या करता है, तीनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है जी, तीनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू हो गई तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, इसको इसके फॉर्मूले में डाल दिया और रिजल्ट के बेस पे ओके और नॉट ओके दे दिया। ये चीज क्लियर हो गई सर, और का फॉर्मूला क्लियर है सर? तो ये दोनों के काम है, बाकी और देखते हैं। एक है आपके पास नॉट, नॉट का फॉर्मूला क्या करता है, टू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को टू में कर देगा। मान लीजिए कुछ टू आ रहा है तो नॉट उल्टा करेगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, कभी हमें क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन में जो फॉर्मूला लगाते हैं वहां टू के बेस पे आता है, तो फॉर्मूला को रिवर्स करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है नॉट के। मान लो हमें फॉल्स पे काम करवाना है वहां पे और मतलब हाईलाइट करवाना है, और फॉल्स पे तो हाईलाइट करता नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो करता है टू पे, तो नॉट लगा के करवा सकते। बाकी देखते हैं इसमें बाकी ट्रू फॉल्स जो है, इसमें फॉर्मूले भी हैं जो ट्रू रिटर्न करता है और फॉल्स रिटर्न करता है, फॉर्मूले की तरह ही है। ये फॉर्मूले हैं, इनका कोई खास यूज है तो यूज नहीं करते, अब डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बाकी अगला फॉर्मूला है इफ एरर, इफ एरर आपका इफ के फॉर्मूला की तरह ही बिहेव करता है। मान लीजिए आपकी यूज बुक में कोई एरर आ गई, कोई भी एरर आ गई, तो इसके लिए हम या तो इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या ये एरर एरर है, तो एरर चेक करने के लिए होता है हमारे पास इज एरर, इज एरर ट्रू फॉल्स देगा। अगर एरर है तो हमें ब्लैंक शो करवाना है, नहीं तो वैल्यू शो करवानी है। ठीक है जी,
तो ये इसका कॉम्बिनेशन है इफ एरर, इफ और इज एरर का। इफ एरर मतलब कि अगर इफ एरर आता है, एरर आती है आपकी कोई भी फॉर्मूला या वैल्यू में, उस केस में क्या करना है, वैल्यू इफ एरर। ठीक है जी, अगर एरर आती है तो क्या करना है, बस एक ही चीज है आपको दिखाना है। इसका यूज हम करते हैं वी लुकअप के जरिए, जब फॉर्मेट करते हैं हम पहले से शीट में लगा के छोड़ देते हैं, हम चाहते हैं कि ये एरर ना दिखाए और फॉर्मूला रहे, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको, ब्लैंक पे सेट करते हैं। जैसे ब्लैंक पे सेट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रोजेक्ट बनाकर दिखाता हूँ। एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या सिस्टम है मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास पहले से बना रहा है, हम इसको बनाएंगे। ये सिस्टम इसमें क्या होता है, जब मैं इसमें मंथ सिलेक्ट करता हूँ, ये कैलेंडर की तरह बिहेव करता था लेकिन यहाँ से डेट वगैरह भी चेंज होती रहती है उसकी। अगर मान लीजिए यहाँ से मंथ मैंने सेकंड लिया, यहाँ 28 दिन दिखाएगा, दूसरा इसकी बॉर्डर फॉर्मेटिंग भी उसी हिसाब से चलती है। इधर इसमें अटेंडेंस जो भरी पड़ी है, ये अटेंडेंस चलेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद से, 3 सितंबर 13 है, तो अगर हम सितंबर में देखें 13 में, तो इसकी अटेंडेंस 3 सितंबर 13 से चालू होगी। ठीक है जी, और कब तक होगी, आज तक होगी, कौन सा महीना चल रहा है, 6 और 2014, तो आज की डेट तक ये अटेंडेंस शो करके रखता है। ठीक है जी, इसके अटेंडेंस में फॉर्मूला लगा हुआ ये वाला, हर जगह पे एक ही फॉर्मूला है जो इसको अटेंडेंस फिल करता है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट है, ये 2013 की है, तो अगर हम 13 में देखते हैं तो अगर सरकारी छुट्टियां होंगी तो इसमें आया है हाईलाइट कर देगा, तो मार्च में देखते हैं तो ये ऑरेंज में हाईलाइट कर रखा है, ये हॉलीडे में जो कि इस लिस्ट में है, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऊपर की ये कंकैटिनेशन के जरिए हो रखा है, कि जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलिए एक बार सबसे पहले हमें चाहिए मंथ और ईयर, जैसा भी मैं लिस्ट में कर रहा था, लिस्ट में डालने के लिए वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू में लिस्ट है, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को डाल सकते हैं। मंथ के लिए डाल दिया मैंने, दूसरा
ईयर के लिए डाल देता हूँ लिस्ट। जितना ईयर डालना चाहे डाल सकते हैं। तो ये लिस्ट हो गई। तीसरा यहाँ पे नेम दे देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ से जो होगी हमारी डेट शुरू होगी। डेट के लिए क्या करेंगे, डेट का एक फॉर्मूला है। डेट के फॉर्मूले में तीन चीज मांगता है, ईयर मंथ और डेट। तो ईयर मैंने यहां से दे दिया, मंथली मैंने यहां से दे दिया, और डे मैंने खुद दे दिया ये। ठीक है जी। जब आप इस डेट को देखेंगे यहां से, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहां से इसके ईयर और मंथ यहां से मैं चेंज कर सकता हूं उस डेट से। ठीक। अब जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू मैंने मंथ का वो बताया था, तो टेक्स्ट के फॉर्मूला के जरिए मैं वैल्यू ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसमें से निकाल दिया एमएमएम और वाई वाई। ठीक है जी। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट एक फॉर्मूला बना देता हूँ, अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, मैंने इतना टेक्स्ट में दे दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कंकैटिनेट कर दिया ये फॉर्मूला। ठीक है। अब क्या करूंगा इसमें, तो जैसे ही मैं कोई भी मंथ चेंज कर रहा हूँ तो दो तीन जगह इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक यहाँ की डेट चेंज हो जा रही और एक यहाँ की हो जा रही। ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला दे सकता हूँ यहाँ से वैल्यू लेके, और यहाँ पे क्या करूंगा डी डी टी, तो ये क्या बताएगा मुझे अभी मंथ में। ठीक है। और यहाँ डेट ही रहने देता हूँ, पर मुझे दिखानी वो है खाली डे दिखाना है। हाँ, तो खाली मैं क्या करूंगा डीडी डाल दूंगा इसमें। ठीक है। अब ये है डेट पर एट दिखा रहा है, बाकी मैं क्या करूंगा इसमें कर दूंगा प्लस एट। ठीक है जी। इसको कर देता हूँ मैं, इस फॉर्मूले को भी यहाँ हो गया, इन दोनों को कर देता हूँ मैं ड्रैग आगे तक माइनस तक आगे 31 तक डाल देता हूँ। ठीक है। ये 31 तक आगे। तो मैंने कर दिया थोड़ा छोटा। मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। हमारे पास डेट और मंथ तो हो गए, पर इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 31 का है वहां तो ठीक है, और तो जैसे जहां कम है वहां क्या कर रहा है, ये 28 का महीना है फरवरी,
28 तक तो ठीक है, फिर ये 1 2 3 चालू हो गया। तो यहाँ मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो मंथ है इसका लास्ट वाला दिन कौन सा। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है ईओ मंथ। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम वैल्यू 28 ही होती है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक इसका फॉर्मूला लगा दूंगा। इफ ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन है ईओ मंथ, ये डेट सिलेक्ट कर ली मैंने यहाँ से। ईओ मंथ में क्या होता है, स्टार्ट डेट और मंथ डालने पड़ते हैं आपको। मंथ मतलब 0 ही डालना पड़ता है हमेशा, अगर आपको उसी सिलेक्टेड डेट का वही मंथ चाहिए। अगर 1 डालेंगे तो नेक्स्ट मंथ की एंड डेट दिखाएगा। तो अगर ये एंड ऑफ मंथ से ज्यादा है तो यहाँ क्या कर दे, ब्लैंक दिखा दे, अदरवाइज ये कैलकुलेशन ही चलने दे। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल लगा दिया हमने। ठीक है जी, अब यहां तो काम कर गया, इसको ड्रैग करते हैं। यहां पे क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये जब कैलकुलेशन इसने यहां करनी चाहिए तो आगे तो ब्लैंक था, ब्लैंक में एक जोड़ रहा था तो कुछ हुआ नहीं, यानी आ गई एरर। तो इसी फॉर्मूला के आगे इस एरर का फॉर्मूला भी लगा देते हैं। अगर कोई एरर आ जाए तो भी ब्लैंक करते। ठीक है, अब इसको ब्लैंक करेंगे, हो गया ओके। अब यहां से करते हैं इसको, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, जितना मन था उस हिसाब से कर ले रहा है। इनके नाम डालते हैं, नाम एम्प्लॉय से है नहीं। कुछ के नाम मैंने डाल दिए इस में, कुछ लोगों ने। अब क्या करना है, मैंने अब इसको कलर करवाना है, सारा कलर कैसे करवाएंगे। पहली चीज पता लगानी कि सैटरडे या संडे हो तो यहाँ येलो कर दे। कैलेंडर तो बन गया, अब सैटरडे संडे हो तो येलो कर दे। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, कि हम यहाँ करेंगे सिंपल सा है कि अगर ये इक्वल टू सैटरडे या संडे हो तो इसमें एंड का फॉर्मूला बनेगा। दो कंडीशन डालेंगे, क्योंकि C5 इक्वल टू सैटरडे और C5 इक्वल टू संडे। ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देगा ये। यहां से फॉर्मूला बनाया, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी कर लिया और वहां आ गया जहां के लिए फॉर्मूला यहां से बनाया था। अब इसमें क्या करना है, न्यू रूल यूज फॉर्मूला, और ये मैंने डाल दिया। डालने से पहले एक चीज करनी थी,
मुझे इसकी रो लॉक करनी है, कॉलम तो ना लॉक हो पर रो जरूर लॉक हो जाए, क्योंकि जब मैं उसे ये फॉर्मेट भी ड्रैग करूंगा तो सी फाइव का डी फाइव और सी का डी फाइव तो होना चाहिए पर सी फाइव का सी सिक्स नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ। ओके अब क्या करना है, मैंने फॉर्मेट प्रिंटर से इसको कर दिया। अच्छा जहां मैंने एंड का फॉर्मूला डालना था वहां और का लगाना था, इसके दोनों में से कोई भी है। ये गलती थी, दोनों में से कोई भी हो तो ट्रू करें। नंबर फॉर्मेट जो है सही कर देना है। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं सैटरडे संडे के दिन आपको फॉर्मेटिंग दिखा रहे हैं। अलावा हमने देखना था कि हॉलीडे लिस्ट, तो हॉलीडे लिस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट वाली लेते हैं गूगल से ऑरेंज दिखाने के लिए। ये हमने हॉलीडे लिस्ट के लिए मैं खाली डेट चाहिए। इसमें तो बाकी कोई मतलब नहीं रहा है, वो ना हो कुछ क्या अनमच कर देता हूँ मैं। इसमें से ब्लैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। ये हमारे गेस्ट हो गए जो हॉलीडे पर है। मैंने क्या किया, इसका जो किया इसको सिलेक्ट करके एचएल नाम दे दिया हॉलीडे लिस्ट, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ का रेफरेंस नहीं यूज कर सकता, तो इसलिए मैंने इसको एचएल बनाया। और बाकी इसमें भी आसानी रहेगी, तो अगर मुझे पता करना है कि तो मेरा एचएल में वो डेट है कि नहीं, तो मैं दो तीन चीजें यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने डाला 14 जनवरी,
एक तो मेरे पास था काउंट एक का फॉर्मूला, अब रेंज में मैंने दे दिया है चल ये वाली, और क्राइटेरिया दे दिया मैंने ये, तो है तो एक आ जाएगा, अगर नहीं है तो जीरो आ जाएगा। काउंट जी एक चल, तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वीलुकअप यूज करने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं वो भी। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाना है इस पे कि काउंट एच एल, और ये इसमें क्या करना है, फिर से वही सी सिक्स लॉक कर देना है। अब इसलिए मैं मुझे चाहिए लॉजिकल, उसमें क्या करूंगा, ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, सिंपल। अगर कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब कुछ है, तो उतने से मेरा काम चल जाएगा, तो ये ट्रू दे देगा। इसको मैंने फिर से कॉपी कर लिया और आ गया मैं यहां लगाने, न्यू रूल में जाया, यूज फॉर्मूला में गया, इधर डाल दिया, फॉर्मेट में मैंने ऑरेंज सिलेक्ट कर दिया, ओके ओके, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जहां जहां छुट्टी होगी यहाँ पे मुझे दिखा देगा। यहाँ पे दो तीन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गए हमारे, दो लग गए हैं, मैंने जो उसमें जाएंगे देखेंगे दो दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी पड़ी है, एक है फालतू लगी पड़ी है सी फाइव से एजी फाइव, ये एक ही है, तो सी फाइव से डायरेक्ट मैं यहाँ से दे सकता हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले में डिलीट कर सकता हूँ। और क्या करना है, मैंने दो लगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि अगर संडे है तो संडे रहने दे, मतलब सैटरडे संडे ऊपर दिखाना चाहिए, अब वैसे सरकारी छुट्टी है कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, इसलिए क्या करूँगा इसकी प्रायोरिटी हाई कर दूंगा। ये देखिए सैटरडे है ना, अब हमारी वैसे ही हॉलीडे है, तो अब सैटरडे को त्योहार हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, अप्लाई कर देता हूँ, जब इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई तो पहले ये चलेगा, बाकी बच्चे बच्चे ये चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया हॉलीडे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है, ये बॉर्डर भी नहीं आने चाहिए, जैसे अगर आगे वैल्यू नहीं है तो बॉर्डर नहीं आने चाहिए, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये लग जाएगा, क्या ये इक्वल टू ब्लैंक है, बस इतना, और इसको मैं इस पे लॉक कर दूंगा, इस पे लॉक कर दूंगा। तो यहां से उठाया, इधर आया मैं, कंडीशनल फॉर न्यू रूल, यहां डाल दिया। फॉर्मेट मैंने क्या सेट करना है, यहां अगर वैल्यू ना हो तो जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर भी नहीं होने चाहिए, यहां से ये बॉर्डर रिमूव कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, इसको उठाकर पूरे पे चिपका दिया। अब क्या करूंगा, जब मैं यहाँ से सब वाला सिलेक्ट करूंगा तो बॉर्डर भी नहीं दिखेगा, ठीक है। नहीं तो ये और करूंगा आ जाएगा,
काफी पावरफुल टूल है, कंडीशन और फॉर्मेटिंग तो आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी वैसा लगा सकते हैं। जितने फॉर्मूले मैंने वैसे लगा उसके अंदर, यही फॉर्मूले अगर इसके थ्रू इसमें मैं बिल्ट कर दूं तो मैं अपने अटेंडेंस भी चला सकता हूं सारी की सारी। तो बेसिकली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रोजेक्ट था आपका, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसका जो फॉर्मूले हम कर लेंगे सही से तो आगे इसमें फॉर्मूले भी लगाने देखेंगे, ठीक है जी, इसको आगे करेंगे बाद में। बाकी अपना कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो कहें तो मैं पूरा बनाना आपको दिखा सकता हूँ अभी जैसा बोल। दूसरा बात करते हैं प्रोटेक्शन की, या इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, छोड़िए यहाँ कुछ डाल देते हैं, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग नौ जनवरी जनवरी अप्रैल तीन अप्रैल सोलह अप्रैल उनको भी डाल देता हूँ, उसके साथ कुछ मैंने वैसे यानी प्लीज डाल दूँ। अब इनकी लीव को कैसे मैनेज मैनेज करेंगे हम, या तो एम्प्लॉय कोड भी डाल सकते हैं, नहीं तो नेम से भी कर सकते हैं, वी लुकअप के लिए एम्प्लॉय कोड भी डाल सकते हैं। तो एक तो आएगा एम्प्लॉयज नेम अपना, अब एम्प्लॉय नेम के लिए मैं इसको इन सबको एक नेम बना देता हूँ ईएमपी करके, और यहाँ से नेम डाल सकता हूँ डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में ईएमपी इक्वल टू ठीक है जी, वहां वाले सारे नेम तो आपके यहाँ आ गए। अब इस वैलिडेशन को और पेस्ट करना हो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ तक जहां तक करना चाहें वहां तक वैलिडेशन आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी, ताकि आप जब भी करें आपको एक ड्रॉप डाउन मिल जाए कोई भी चूज कर लें। बाकी डेट लीव की डेट क्या है वो आप यहां से चूज कर लीजिए, कोई भी डेट दे सकते हैं,
बाकी ये हेल्पर कॉलम इसको हाइड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसको यहाँ दिखाना। और करना क्या है हमें, इसको कंकेटिनेट करना है इससे। अगर एम्प्लॉयज ज्यादा है तो एम्प्लॉय कोड के जरिए भी हम नेम का काम करते हैं, करते हैं ठीक है। तो इसको जब हम कंकेटिनेट करेंगे, मान लीजिए ये बंदा छुट्टी करता है कब, 9 जनवरी के बाद, यहाँ 9 अप्रैल में, यहाँ हेल्पर कॉलम डाल, अच्छा यहाँ कर दिया, यहाँ 9 अप्रैल कर दिया। यहाँ का आएगा एक कोड जनरेट हो जाएगा पहचानने के लिए कि ये बंदा इस दिन छुट्टी पे था। इन दोनों को कंकेटिनेट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस लिस्ट में ये नाम है कि नहीं। अब रवि कब था, 3 अप्रैल, 9 अप्रैल को छुट्टी दिया। बाकी एक यहाँ से चूज कर लेते हैं, सोलह अप्रैल एक फॉर्मूला आगे चलने देते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको आगे तक पेस्ट कर लेते हैं जहां तक चलते। अब बस यहाँ से नाम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट हमें डालनी है। यहाँ कोड जनरेट होता जाएगा। दूसरा मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट करके एक नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ लीव। अब लीव में क्या चेक करना है मुझे, क्या करूंगा मैं कि क्या ये और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो उसमें है कि नहीं, ठीक है। उसको कैसे चेक करूंगा, वही काउंट टिप से, काउंट टिप और उसमें रेंज क्या डाली थी मैंने, ली और ये मेरे को रिजल्ट दे देगा अगर होगा तो, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपनी अटेंडेंस से। सबसे पहले करते हैं इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कि अगर ये इसमें इसको लॉक कर देंगे 6 से, इक्वल टू 36 में ये ऊपर 35, ये इक्वल टू सैटरडे या फिर ये इक्वल टू संडे, तो क्या करना है, यस में क्या कर देना है, वीकली ऑफ कर देना है, नो में आगे बढ़ जाना है हमने, फिर से इस दे देना है, फिर काउंटिव वही सारे फॉर्मूले लगाने, हॉलीडे लिस्ट वाला क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या ये उसमें
ग्रेटर देन जीरो, देन क्या कर देना एच टाइप करवा देना, और नहीं तो फिर बढ़ जाना है। अभी मैं आपको इसी का सैंपल लेकर दिखाता हूँ। अगर हमने ये कर दी, मैं इसको ड्रैग करके देखते हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है जी। धीरे धीरे इसी को इन्हीं कंडीशन ऐसे ही कंडीशन आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको पूरा बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरा एक फॉर्मेटिंग में एक चीज भूल गया मैं, जैसे करंट डेट है, करंट डेट को कैसे करेगा, तो उसमें क्या करना है, जैसे टुडे है ना, टुडे मैंने दिखाया था, तो क्या ये इक्वल टू टुडे, ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है जी। इसमें सिक्स को लॉक कर देता हूँ, कॉपी कर दिया यहाँ पे, न्यू रूल यूज फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मेट में क्या कर दूंगा, बॉर्डर अलग से कर दूंगा, किल करने से कर देता हूँ, ठीक है। फिल में डिफरेंट कलर डाल दूंगा, फॉन्ट में बोल्ड कर दूंगा थोड़ा सा, ओके। और इस फॉर्मेट को पूरे पे अप्लाई कर दूंगा, अब देखेंगे कैसे छोटे वाली डेट जून में, तो यहाँ पे आ जाएगा। बस इसको और रखते हैं आगे। अब हॉलीडे के बाद क्या देखना है ना, कि उसकी लीव ना हो, इफ काउंट लीव इज ग्रेटर देन जीरो, लीव किससे कंकैटिनेट करना पड़ेगा दो चीजों को, यहां पर ना लगा रहे हैं हम फॉर्मूले, अपसेट या सी एच पे लगा रहे हैं। एक ये इसमें क्या करेंगे, जब हम ड्रैग करेंगे तो कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए और कंकेटिनेट करेंगे ऊपर, इससे इसमें रो नहीं चेंज होनी चाहिए। क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो अगर हो तो यहां पे एल दिखा देगा, अदरवाइज पी दिखा देगा, ये फॉर्मूला कर दिया मैंने। और लीव 4 अप्रैल में जा रखी, तो यहाँ एक आ गई और यहाँ ये दो, ठीक है। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लगाते हैं कि अगर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वल टू एल है, यहाँ कोई लॉकिंग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें हर एक सेल की इंडिविजुअल चेक करवा दी, क्या करेंगे हम यहाँ पे एक सेल पे सिलेक्ट करेंगे, फिर न्यू रूल जाएंगे यूज फॉर्मूला, तो फॉर्मेट कर देंगे, पहले तो बोल्ड आना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर जो है अलग कर देंगे, रेड कर देते हैं, ओके।
इसको ले लेंगे फॉर्म टू देखो ये आप अब ये आ गया यहाँ से फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं लीव आ गया तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था कि जो हमारी अटेंडेंस है वो शुरुआत हो टुडे से मतलब अटेंडेंस हो ये इसके बाद स्टार्ट हो ज्वाइनिंग डेट के बाद और टुडे से आगे ना जाए आज की डेट से आगे ना जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ ये ज्वाइनिंग डेट अगर बड़ी है किस स्टेट से तो क्या करते ब्लैंक करते यहाँ पे मुझे कॉलम नहीं चेंज होने देना यहाँ मुझे रो नहीं चेंज होने ये काम कर दी 10 अप्रैल में 10 अप्रैल से ज्वाइनिंग हो रही फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक और इफ लगा दूंगा इफ ये जो डेट है कॉलम ब्लॉक करना हमने ग्रेटर देन है टुडे से बड़ी है तो मुझे क्या करना है फिर से ब्लैंक कर देना अदरवाइज ये करते देना सुबह में चल के देखते हैं कि हमारे जून है या गड़बड़ कर रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब उनके बीच हो यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तब एंट्री करनी चाहिए और करेंगे और नहीं करेंगे
कंडीशन एक बार समझ लेते हैं, कंडीशन एक बार बात सोच क्या है। पहली कंडीशन है कि ये जो बड़ा होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए, ये जो बड़ा होना चाहिए वो इससे नहीं बड़ा होना चाहिए, उल्टा। ठीक है जी, यहाँ टू आ गया। दूसरा करंट डेट होनी चाहिए वो टुडे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे टुडे बड़ा होना चाहिए। तो ये जहां तक ये दोनों कंडीशन जब ट्रू दे दें कॉलम सेट किया, रो सेट किया, कॉलम ये दोनों ट्रू हैं तो ये एंट्री है। यहाँ पे ये कंडीशन चलनी चाहिए, अगर ये ट्रू हो तो एंट्री हो जाए। उल्टा लग गया टुडे के बाद एंट्री कर रहा, टुडे उससे बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। देख लेते हैं क्या लगा रखते हैं कंडीशन। greater than D5, इनकी बनाते ये लगता है।
ये हमारा B7 is greater than C2. अब डाल देते हैं फॉर्मूले को पूरा, तो ये आपका इसमें हो गया, ज्वाइनिंग डेट का भी काम हो गया इसमें। अब देखेंगे जैसे जनवरी में जाते हैं, जितनी स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट होगा और आज की डेट देखेंगे भी वो वहां तक होगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा, पूरा अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार है, ठीक है सर। तो जैसे किसी ने ले ली, इसमें राहुल ने ले ली 11 जून को, यहाँ से राहुल और यहाँ से डेट डाल दी 11 जून हमने। तो यहाँ आपको सिस्टम चेंज दिखाएगा, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं प्रोटेक्शन। या 5 मिनट ब्रेक ले लें, फिर करते हैं। हाँ सर, यानी तो आज अभी कितना है या क्या चीज सर, कहीं जरा है या मंडे करेंगे, हो गया आज का या अभी एक रहता है एक टॉपिक रहते, चाहे तो आपकी मर्जी है। ऑलमोस्ट तो मैं काफी चीजें निकाल ही चुका हूँ, आपकी मर्जी है। ठीक है ठीक है, हाँ मैं आप जो भी बोलेंगे मेरा ओके। 15 मिनट का टॉपिक और है वो उसको कर लेंगे 5 मिनट बाद, ठीक है। बस 5 मिनट दीजिए। तो ये टॉपिक है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है हमारा, बेसिकली 3 तरह के प्रोटेक्शन होते हैं। एक हमारा होता है शीट प्रोटेक्शन, एक होता है हमारा वर्कबुक प्रोटेक्शन। अब वर्कबुक क्या होती है, ये जो आपकी वर्कबुक होती है, ये एक वर्कबुक हो गई, ये दूसरी वर्कबुक हो गई, एक वर्कबुक में कई शीट होती है, तो एक वर्कबुक प्रोटेक्शन होता है। और एक होता है आपका फाइल प्रोटेक्शन। फाइल प्रोटेक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है, आपकी फाइल ओपन ना हो पाए, पासवर्ड डाल देंगे सब के लिए होता है। मैं क्या करता हूँ आपकी इसको सेव कर लेता हूँ, ये फाइल भी आपको दे दूंगा, इतनी जरूरत पड़ेगी आपको इसकी। हाँ मेरे को फाइल भी चाहिए प्लस वीडियो चाहिए, दोनों चाहिए, फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीज। फाइल मैं दे देता हूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं शीट प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब भी हम प्रोटेक्ट करते हैं शीट को, यहां से राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट, और रिव्यू में जाके यहां से प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं। जब हम नहीं चाहते कि कोई भी इसमें का डेटा छेड़ पाए या डिलीट कर पाए या जो आप नहीं चाहते वो कर पाए उस शीट के साथ, तो आप प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली प्रोटेक्शन के बाद होता क्या है, प्रोटेक्ट आप शीट करते हैं, यहां आप पासवर्ड दे सकते हैं, कोई भी पासवर्ड आपने दे दिया,
अब ये प्रोटेक्टेड हो गई। इसमें क्या है कि अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो इस तरह का एरर अलर्ट आता है। और इसमें क्या होता है, इस तरह के प्रोटेक्शन में शीट पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाती है, जबकि सेल की लॉकिंग ऑप्शनल होती है। इसको हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा सेल लॉक होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, जब आप सेल को फॉर्मेट सेल जो देखते हैं कंट्रोल वन करके, हम ये जो देखते हैं इसमें लास्ट का जो पॉइंट है प्रोटेक्शन है, लास्ट का बाय डिफॉल्ट ये लॉक्ड होता है। इसका मतलब है अगर यहाँ चेक होगा, अनचेक होगी अगर ये सेल, और अब आप प्रोटेक्शन करते हैं तो बाकी आप किसी में कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ये सेल को हमने अनलॉक किया है इसमें आप कर पाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अब हमें एक स्पेसिफिक एरिया प्रोटेक्टेड करना है, तो बाय डिफॉल्ट हमने जाना, हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया और यहां से अभी ये लॉग्ड है, हमने इतना एरिया अनप्रोटेक्टेड रखना है, बाकी प्रोटेक्शन यूजर खाली इसमें एंट्री कर पाए बाहर कहीं ना कर पाए। चलिए क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट किया, सारी तो लॉग्ड है, अब हम इतने को सिलेक्ट करके यहाँ से अनलॉक पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, अनचेक कर देते हैं। उसमें क्या हुआ, इतना एरिया अनलॉक रहा। अब जब हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं तो बाकी कहीं आप नहीं टाइप कर पाएंगे, पर इनमें आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि यूजर जो है हमारे डेटा को कॉपी ना कर पाए, मान लीजिए टाइटल है, मैं ये नहीं चाहता कि ये यूजर कॉपी कर पाए। अगर मैं प्रोटेक्ट करता हूं इसे तो मैं चेंजेस नहीं कर सकता इसमें, पर कॉपी कर सकता हूं। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि जो अनलॉक वैल्यूज है, जो लॉक्ड वैल्यूज है, लॉक्ड सेल है, वो सिलेक्ट ही ना हो सके। यहां से प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे, इसके अंदर कुछ ऑप्शन है जिसको आप चेक रखेंगे तो प्रोटेक्शन के बाद वो एक्टिव रहेंगे ऑप्शन, सच एज सिलेक्ट लॉग सेल, सिलेक्ट अनलॉग सेल। तो मैं सिलेक्ट लॉग सेल है इसमें से अनचेक कर देता हूं। अब क्या हुआ, मैं क्लिक तो कर रहा हूं पर मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, सिलेक्ट नहीं कर सकता तो कॉपी भी नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट ले सकता हूं पर इसको कॉपी नहीं कर सकता, यहां चलेगा मेरा सिलेक्शन, बाहर चलेगा, एंटर भी करता हूं तो ये इसी में ही घूमता रह जाएगा। ठीक है जी, मान लीजिए मैं फॉर्म बनाता हूं, यूज हम ज्यादातर फॉर्म बनाने में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा नेम डालूंगा, सिटी डालूंगा, मोबाइल, इनको टेक्स्ट बॉक्स की तरह यूज कर सकता हूं, तीन जगह एंट्री हो बाकी कहीं हो ही ना। मैंने क्या करना, पहले सबको सिलेक्ट करके लॉग है ही, ये करना है इसको, इसको और इसको सिलेक्ट करके अनलॉक कर देना, और यहां से प्रोटेक्ट करते हुए सिलेक्ट अनलॉक कर, सिलेक्ट लॉक कर हटा देगा,
अब क्या है एंट्री इसी पे चलेगी खाली। ठीक है ये तीनों पे चलेगी, एक फॉर्म की तरह बिहेव करेगा, बाकी कोई बटन वटन हो तो हम लगा के डेटा ट्रांसफर कर। ठीक है ये मेट्रो वगैरह देखते हैं, फिर से सॉफ्टवेयर के शक्ल देख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि हमने देखा शीट प्रोटेक्शन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑप्शन इसमें ऐसे होते हैं एडिट ऑब्जेक्ट। अगर आपने कभी जो शेप्स वगैरह इंसर्ट करते हैं आप चाहते हैं कि उसको लोग एडिट कर पाए या छेड़ पाए तो उनके लिए एडिट ऑब्जेक्ट होता है प्रोटेक्शन के द्वारा, अब वैसे नहीं छेड़ पाएंगे। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ भी चेंजेस हो सके इन सब में तो एडिट ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रोटेक्शन के द्वारा। इसमें जितने भी वो चीजें हैं आप राइट दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सके, अब इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है बाकी आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाए। तो ये शीट प्रोटेक्शन था। दूसरा देखते हैं वर्कबुक प्रोटेक्शन। जब भी आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हैं जो ऑप्शन देता है आपके पास प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर और विंडोज, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है इन किसी भी शीट में आप इंसर्ट डिलीट नहीं कर सकते, नई शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, तो वर्कबुक प्रोटेक्टेड हो जाती है। ठीक है अगर विंडोज करते हैं तो विंडोज में क्या होता है, अब यहां पे जैसे वर्कबुक खोलने के ऑप्शन दिखाता है छोटा माइनस वगैरह अनप्रोटेक्टेड करता है, ये जो बटन आपको दिखा रहा है ये तीन मिनिमाइज विंडो मैक्सिमाइज विंडो और ये फाइल के लिए होते हैं वर्कबुक के लिए होते हैं, तो इसको ना छेड़ पाए अलग से तो प्रोटेक्ट वर्कबुक हो तो मैं आप विंडोज कर सकते हैं। अब ये मिनिमाइज नहीं होगा, ये एक्सेल एप्लीकेशन का हिस्सा हो गया है। ठीक है जी अभी आपको ये तीन बटन गायब हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं शीट में ही यूजर लेवल एंट्री करवाना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पे कुछ डाटा फिल करवाना है, मैं चाहता हूं कि हर एक एम्प्लॉय अपने आप ये डिटेल फिलअप करे या ये वाली फील्ड जो है खाली ये बंदा फिल करे और ये वाली जो है खाली ये फिल करे, तो हम यूजर लेवल राइट कैसे देंगे, इसमें इसको सिलेक्ट कर लेंगे, रिव्यू में जाएंगे Allow user to edit range, यहां पे हम ये रेंज एडिट करेंगे, न्यू करेंगे रेंज जो है ये मैंने बना दी संदीप के लिए, टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, पासवर्ड दे दिया मैंने 123 का इसके लिए। ठीक है जी 123 तो एक रेंज हो गई, दूसरी रेंज बनाता हूँ संदीप के लिए, रेंज यूज करता हूँ ये रेंज जी को
यहाँ दे देता हूँ 4 5 6, 4 5 6, तो ये दोनों अलग अलग रेंज हो गई। मैं क्या करता हूँ, शीट को प्रोटेक्ट कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ एंट्री करवाना, क्लिक करना है, जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये वाला पासवर्ड जब तक एंटर नहीं करूंगा तब तक ये मुझे एंट्री करने नहीं देगा। ये मैंने एंट्री कर दी। अब अगले के पास शीट चली गई है, भेज दी सेव करके। जब वो इस पे क्लिक करेगा, बाकी का नहीं एंटर कर पाएगा, जो हर एक रेंज के लिए पासवर्ड मांगेगा, फिर इसका पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये अपना आज कर सकता है। ठीक है जी, तो यूजर लेवल एंट्री हम सेट कर सकते हैं इसमें, जैसे पहले एग्जीक्यूटिव पे हो गया, फिर मैनेजर पे हो गया, फिर जीएम पे हो गया, रिव्यू टाइप का बनाते हैं, काफी सारी शीट बनाते हैं, तो वो चीज इससे आसानी से की जाती है। अब बचता है फाइल प्रोटेक्शन। मैं चाहता हूं कि बंदा देख ही ना पाए फाइल को विदाउट पासवर्ड। जब हम सेव एज करते हैं फाइल को, सेव करते वक्त तो यहाँ पे टूल्स होता है, तो टूल्स में आप जाएंगे जनरल ऑप्शन पे। जनरल ऑप्शन में पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई आप दे सकते हैं। क्या आपने दे दिया, सेव कर दिया, क्लोज। कहाँ सेव कर दिया, ये मेरे से पासवर्ड मार दिया जब भी मैं इसे करूंगा पासवर्ड को मॉडिफाई। ठीक है, ये तो रही बात जो हम नई फाइल सेव कर रहे हैं, और जो फाइल पहले से सेव है उसमें पासवर्ड कैसे लगाएंगे, इसके लिए यहाँ ऑफिस बटन में जाएंगे, रिपेयर में जाएंगे, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में आप ये पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या नया डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये नए पासवर्ड से जुड़ेगा। मॉडिफाई के लिए वही पासवर्ड है, मॉडिफाई वाला चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका था प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो इसमें आज का सेशन इतना ही, बाकी आपको मंडे से सुधीर सब देंगे सर। ठीक है, ओके, तो मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा, आपकी मेल आईडी पे आप रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ठीक है, आपका जो था क्वेश्चन जो खत्म हो गया क्या, तो 3 दिन का था? हाँ जी, हाँ जी, 3 डेज ओवर हो गए ना। ओके, तो ये बोल रहा था मैं कुछ लेवल 1 लेवल 2 ऐसे कुछ कोर्स वर्क भेजे थे। सर लेवल लेवल तो हमें खुद ही याद नहीं रहता। अब आपने सारा सारा सिलेक्ट किया हुआ है, उतने में तो हमारा जो भी हमें आता है कंप्लीट करा दे, कंटेंट वाइज होता है हमारा। हाँ, बात अच्छा है। ओके, थैंक यू। ठीक है सर।